एमएलए के टाइम पर प्रसाद साहब जो मेरे करीबी दोस्त हैं उनसे भी कल मैं बात की, उनसे ये कहा कि साहब अगर वोट लेकर जीतना चाहते हैं तो हमारे मुसलमानों की बस्ती में आपको तरक्की करना होगा। तो उन्होंने इस बात का वादा किया, वाजिद साहब अगर हमारे कैंडिडेट जीते ना जीते लेकिन मैं हमेशा आपके दरमियान में रहूंगा, आपके तरक्याती कामों को करूंगा। इसीलिए फिर एक मरतबा मेरी माँ और बहनों से, बुजुर्गों से, नानी से, दादा से, सभी से मेरी गुजारिश है कि आने वाले दिन 22 तारीख का दिन आपका फैसले का दिन होगा, आपका एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के हक में देना होगा। अगर आप अपनी तरक्की चाहते हैं, अगर आप खुशहाल रहना चाहते हैं और इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म के तरक्याती कामों के साथ अगर आप अपने पेंशन को हासिल करना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी के हक में वोट दीजिए और ये दो कैंडिडेट आपको जो है पेंशन दिलाने की बात करेंगे। अगर ये आपके पास काम नहीं करते तो आप किसी यहां से हमारे जो करीबी रिश्तेदार हैं इनको कहिए, इन्हें फोन पर मुझे कहेंगे, मैं बराबर आकर इनसे लड़ूंगा, आपके मसाइल को हल करने की कोशिश करूंगा। फिर एक मरतबा मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मेरे लिए यहां पर इतनी देर से यहां पर ठहरा, जिसकी तकलीफ के लिए मैं माफी चाहता हूं। और इस बात के साथ एक नारा देते हैं आपसे रुख्सत दूंगा, कांग्रेस पार्टी आपके निशान को सोनिया।